हाय गाइस, वेलकम टू अ न्यू वीडियो ऑफ सोराइसिस। इस चैनल पे सोराइसिस ट्रीटमेंट इंडिया। आज की इस वीडियो में बात करने वाला हूँ मैं स्कैल्प सोराइसिस, और स्कैल्प सोराइसिस यदि आपको है तो कौन सा शैम्पू आपको चूज करना चाहिए। व्हाट इज़ द रोल ऑफ चूजिंग द राइट शैम्पू इफ़ यू हैव सोराइसिस इन योर हेड। कई बार पेशेंट्स हमारे पास आते हैं जो कंप्लेंट करते हैं कि सर्दियों में उन्हें काफ़ी ज़्यादा पपड़ी झड़ती है। सबसे पहले जानना ज़रूरी है कि क्या आपको डैंड्रफ है या आपको सोराइसिस है। डैंड्रफ में छोटे छोटे नमक जैसे दाने आपके कंधों पर गिरेंगे, लेकिन सोराइसिस में थोड़े से उससे बड़े पपड़ी झड़ती है। उस पपड़ी को जब हम निकालते हैं तो नीचे छोटा सा एक खून का स्पॉट मिलता है। इसे हम मेडिकली कहते हैं ऑस्पिट्स साइन, AUSPITZ साइन, ऑस्पिट्स साइन इसे कहते हैं। यानी कि जब हम स्केल को रिमूव करते हैं तो पिन पॉइंट ब्लीडिंग मिलती है उसके नीचे। यही पपड़ी जब हमारे नाक पे गिर जाती है या हमारे होठों पे गिर जाती है तो आपने नोटिस किया होगा कई बार पेशेंट के नाक के साइड में, कानों पे भी रेडनेस रहती है, इचिंग रहती है। वो इसलिए क्योंकि जब हम सिर को स्क्रैच करते हैं तो पपड़ी हमारे स्किन फोल्ड्स में जाके फंस रही है। दैट मीन्स कि यू हैव सोराइसिस। सेकेंड जो पॉइंटर है सोराइसिस का वो ये है कि सर्दियों में ये बीमारी बढ़ती है। क्यों? क्योंकि सर्दियाँ जो हैं वो एक स्ट्रेसफुल एनवायरमेंटल कंडीशन है हमारी बॉडी के लिए। सर्दियों में धूप चली जाती है, धूप से हमें मिलता है विटामिन डी। विटामिन डी हमारे स्किन सेल्स की बढ़ने की रफ्तार को रेगुलेट करता है, तो जब धूप नहीं मिलती है तो चमड़े में विटामिन डी की कमी हो जाती है। सेकेंडली, धूप ना होने की वजह से और ठंड होने की वजह से, ह्यूमिडिटी कम होने की वजह से ड्राइनेस ज़्यादा रहती है, ड्राइनेस होने की वजह से खुजली होती है। ये कारण है कि क्यों सर्दियों में सोराइसिस बढ़ता है। तो यदि आपका सर्दियों में सिर में खुजली बढ़ रही है और आपकी पपड़ी झड़ रही है, दैट मीन्स यू आर सफरिंग फ्रॉम स्कैल्प सोराइसिस। ये तो थी गाइस, आपको मैंने बताया कि स्कैल्प सोराइसिस क्या होता है। मेरा नाम है डॉक्टर सम्यक धवन और मैं हूँ आपका कंसल्टेंट इस चैनल पे, जहाँ पे आज हम बात करने वाले हैं कि अगर आपको सिर में सोराइसिस है तो कौन सी टाइप का शैम्पू आपको यूज़ करना चाहिए। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं और आज हम बात करेंगे कि कौन सा शैम्पू आपके लिए असरदार है। देखिए, कोई सा भी फार्मेसी पे आपको जो शैम्पू मिले जिसके अंदर कोल टार और सैलिसिलिक एसिड हो, इस शैम्पू को हम यूज़ कर सकते हैं। इससे आपकी पपड़ी कम हो जाएगी, आपकी खुजली कम हो जाएगी। लेकिन मैं एक वर्ड ऑफ कॉशन यहाँ पर देना चाहूँगा, बहुत लंबे समय तक इस शैम्पू का इस्तेमाल करने से आपके बाल पतले हो सकते हैं और आपको हेयर फॉल भी शुरू हो सकता है। तो मेरी एडवाइस रहेगी कि एक मॉडरेशन में इन शैम्पूज़ को यूज़ करें। मैं ये भी वर्ड ऑफ कॉशन देना चाहता हूँ एज अ सोराइसिस एक्सपर्ट कि ये कोई क्योर नहीं है। सोराइसिस जब हमारी स्किन पे आता है वो एक सिम्टम है। सोराइसिस ये बताने आया है कि आपके शरीर के अंदर कुछ और प्रॉब्लम्स चल रही हैं। सोराइसिस बस एक सिम्टम है जो अब आपको स्कैल्प के फॉर्म में, स्कैल्प में इचिंग के फॉर्म में नज़र आ रहा है। यदि आप सिर्फ और सिर्फ लक्षण पे हमला करते रहेंगे, यदि आप सिर्फ सोराइसिस के सिम्टम पे हमला करते रहेंगे तो हो सकता है कि एक सर्दियों के बाद, दो सर्दियों के बाद, तीन सर्दियों के बाद सोराइसिस पूरी बॉडी पे भी आ जाए, स्किन में आने लग जाए, नाखून में चले जाए, जोड़ों में चले जाए। इसलिए एज अ वर्ड ऑफ कॉशन मैं ये कहना चाहूँगा कि शैम्पू का यूज़ करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ये सोचना कि शैम्पू ही इस चीज़ का क्योर है, मैं 250-500 रुपए का फार्मेसी से जाके शैम्पू ले आऊँगा, आज मैंने लगाया, मेरी खुजली ठीक हो गई, मैं ठीक हो गया, आप ठीक नहीं हुए हैं। आपने सिर्फ सिम्टम को ठीक किया है, बीमारी को आपने अभी तक जड़ से नहीं पकड़ा है। तो इसलिए ये वीडियो मैं एजुकेशनल पर्पसेस के लिए बना रहा हूँ कि आप कोल्टार और सैलिसिलिक एसिड वाला कोई सा भी शैम्पू यूज़ कर सकते हैं, बजट फ्रेंडली। लेकिन प्लीज़ नो दैट दैट इज़ नॉट अ क्योर। टू नो द कम्प्लीट क्योर फॉर स्कैल्प सोराइसिस, प्लीज़ वॉच ऑल द वीडियोज ऑन दिस चैनल। आप दिए हुए नंबर पे जो नीचे आ रहा है वहाँ पे कॉल करके फ्री ऑनलाइन कंसल्टेशन भी ले सकते हैं। अगर आपको मेरे द्वारा दी गई इन्फॉर्मेशन पसंद आ रही है तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम बहुत सारी ऐसी इन्फॉर्मेशनल वीडियोज़ सिर्फ और सिर्फ सोराइसिस के ऊपर लॉन्च करते रहते हैं। अब जान लेते हैं कि यदि हम स्कैल्प सोराइसिस को लाइटली लें तो क्या हो सकता है। अगर हमने इसको सही समय पे ठीक नहीं किया तो जैसा मैंने आपको बताया, ये हमारे नाखूनों में जा सकता है, ये हमारे हाथों की जोड़ों में जा सकता है, और उसे हम कहते हैं सोराइटिक आर्थराइटिस। और एक बार यदि आपका सोराइसिस आपके नाखूनों में और आपके जॉइंट्स में चले जाता है, उसके बाद इसका इलाज करना किसी भी डॉक्टर के लिए बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग हो जाता है। हैवी ड्रग्स देनी पड़ती हैं, लंबे समय तक ड्रग्स देनी पड़ती हैं, इलाज में खर्चा भी ज़्यादा आता है और साइड इफ़ेक्ट्स होने की संभावना भी जो है वो ज़्यादा हो जाती है। इसलिए समय रहते सही हेल्थ केयर प्रोवाइडर के साथ जुड़ें और जब जब आपको स्कैल्प सोराइसिस है उसी समय इसको क्योर कर लिया जाए, उसी में अकलमंदी है। गाइस, ये थी आज की वीडियो, व्हाट शैम्पू टू यूज़। टू गेट अ फ्री ऑनलाइन कंसल्टेशन प्लीज़ कॉल ऑन द नंबर बिलो और जस्ट व्हाट्सएप अस एंड वील बी देयर फॉर यू।